गाइस आप अपने जियो फाइबर में रिचार्ज करवाने वाले हो तो आपको जानना है कि आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो एक भी सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत करना वरना बहुत कुछ जो है मिस कर जाओगे। हाँ भाई सही में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो यार बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसकी मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो किसको किसको चाहिए वो चार्ट? आप दोनों यार सबको मिलेगा। बट उससे पहले तो आ जाओ गाइस अब हम चार्ट को देखते हैं और समझते हैं पूरे प्लान्स को। यहाँ पे सारे प्लान्स जो होंगे वो प्रीपेड प्लान्स होंगे और सबको देखते हैं कि क्या कुछ किसमें मिलता है। तो सबसे पहला जो है हम बात करते हैं स्पीड की। तो देखो स्पीड में यहाँ पे आपको छह अलग अलग तरह का स्पीड मिल जाता है। पहला जो है 30 Mbps का, दूसरा है 100 Mbps का, तीसरा है 150, 300, 500 Mbps का और 1 Gbps का। ठीक है अब इन अलग अलग स्पीड के हिसाब से अलग अलग इसका प्राइस भी है। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो जियो जो है प्राइस को अलग अलग चार सेगमेंट में डिवाइड करता है। पहला जो है मंथली जो कि 1 month के लिए होता है, दूसरा क्वार्टरली जो कि 3 month के लिए होता है, चौथा होता है सेमी एनुअल जो कि 6 month के लिए होता है और एनुअल जो कि 12 महीने का होता है। अब ये अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग प्राइस है, उसमें अलग अलग ऑफर है। क्या है सब कुछ इसी वीडियो में समझते हैं, आगे समझते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 month का प्लान समझ लो, ये होता है बेस प्लान। 1 महीने का जो भी प्लान होगा उसी प्लान के आधार पर सारा प्लान जो है सेट होगा। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले 1 month का जो प्लान है उसमें 399 का है, तो इसमें 399 प्लस 18% GST कितना हो गया 399 प्लस 71.82 रुपये, टोटल बन गया आपका 470.82 रुपये। तो 470.82 रुपये जो है यही आपको रिचार्ज करवाना है, यही आपको 1 month का बेस प्लान हो गया। ठीक है इसके अंदर आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगा और जितने भी प्लान है सभी में आपको जो है फ्री कॉलिंग मिलेगा, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगा और इसमें आपको कोई भी OTT नहीं मिलेगा। अगर आप TV देखना चाहते हैं तो कोई भी OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं है। दूसरा प्लान है 699 का, इसमें 100 Mbps की स्पीड मिलेगा और इसमें फ्री कॉलिंग मिलेगा। मैंने आपको बताया ना सभी में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा और उसके बाद यहां पे भी आपको OTT नहीं मिलेगा और टोटल इसका प्राइस कितना बनता है 699 प्लस 18% GST तो बन जाएगा 824.82 रुपये। ठीक है इसमें भी OTT नहीं है। तीसरा जो है 999 का। अब देखो प्रीपेड प्लान में अगर आप आओगे तो यहां पे एक चीज याद रखना कि अगर आपको टीवी देखना है, OTT अगर आपको यूज करना है, ठीक है, तो आपको कम से कम 999 का प्लान लेना पड़ेगा या उससे ऊपर का, तभी आपको OTT का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उससे नीचे वाले में कोई भी OTT नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे 999 प्लस 18% GST तो टोटल बन जाएगा आपको 1178.82 रुपये। इसमें आपको जो है 16 OTT मिलेगा और आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा और उसके बाद आपको इसमें 150 Mbps का स्पीड मिलेगा। उसी तरीके से आगे है 1499 का 18% GST टोटल बन गया 1768.82 रुपये, इसमें आपको मिलेगा 17 OTT। ठीक है और उसी तरह से 2499 18% GST हो गया 2948.82 रुपये, इतना आपको रिचार्ज करवाना होगा, इसमें भी आपको 17 OTT मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि यहाँ पे 1 Gbps का जो स्पीड है उसके अंदर दो प्लान आपको दिख रहा है, पहला है 3999 का और दूसरा है 8499 का। अब ये दो प्लान क्यों एक ही स्पीड के अंदर? इसलिए क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस है। पहला जो है 3999 इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन दूसरा जो है 8499 उसमें आपको 6600 GB जो है मंथली डेटा मिलेगा। अब ये क्या है थोड़ा सा इसको समझ लो। हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग को अनलिमिटेड डेटा मिलता है, अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता है, एक लिमिट तो रहता ही है। एक मंथ में आपको मिलता है 3300 GB, 3300 GB आपको मिलता है। अब हम आम इंसान है यार, हम इतना डेटा तो यूज नहीं कर पाते, तो हमारे लिए तो अनलिमिटेड ही है, लेकिन जो लोग इसको यूज कर पाते हैं उन लोगों के लिए ये प्लान है 8499 वाला, यानी 3300 का डबल कर दिया है इसमें, 6600 GB कर दिया है। ठीक है अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता है, बस इतना ज्यादा होता है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? तो इसका दो चीज है और इसमें भी आपको OTT मिलेगा 17, दोनों के अंदर 17 17 मतलब OTT आपको मिल जाएगा। यहां पे समझ में आ गया? ये जितना भी प्लान मैंने आपको बताया फाइनल प्राइस GST लगाने के बाद, ये था बेस प्लान 1 month का। अब इसी बेस प्लान के अकॉर्डिंग जो है सारा प्लान सेट होगा। कैसे आ जाओ देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली का जो है 3 month का है, तो इसमें सेम क्या है, उसमें कितना आया था 1 month में 399 वाले में, 399 वाले में आया था 470.82 रुपये। तो 470.82 रुपये को 3 month से गुना कर दो, यानी 3 से 2 कर दो, टोटल हो गया 1412.46 रुपीज़।
ठीक है, 1412.46 रुपये, ये आपका हो गया फाइनल प्राइस 3 मंथ का, अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हो 399 वाला। ठीक है, तो आपको इतना देना पड़ेगा। इसमें भी देखो, जो भी आपको 399 वाले में OTT अगर नहीं था, तो आप चाहे उसको 12 मंथ के लिए भी रिचार्ज करवाओ, OTT नहीं मिलेगा। जिसमें OTT का सपोर्ट होगा उसी में OTT मिलेगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरे वाला भी है, उसमें कितना आया था, 824.82 रुपये आया था, 699 वाला प्लान था, उसका फाइनल प्राइस कितना आया था जीएसटी लगाने के बाद, 824.82 रुपये। तो उसी 824.82 रुपये को 300 इंटू कर दो, टोटल बन जाएगा आपका 2474.46 रुपीज। ठीक है, इतना आप रिचार्ज करवाओगे तो आपका 3 मंथ के लिए रिचार्ज हो जाएगा। सेम उसी तरह से सब में आप 300 इंटू कर दो तो आपका जो है बन जाएगा, और जो उसमें OTT था, जो भी फीचर मिलता था, वो सारा सेम रहेगा, किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेमी एनुअल जो कि 6 मंथ का है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखो, अभी हम लोग कितना किया था, 470.82 रुपये आया था हमारा बेस प्लान 399 वाला का। ठीक है, तो 470.82 × 6 जैसे इंटू करोगे तो आएगा आपका 2824.92। ठीक है, लेकिन जब 6 महीने का आप रिचार्ज करोगे ना, तो जियो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा देता है 6 महीने। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे 1 महीने जो है 30 दिन का होता है। जिस तरह से हम जियो का सिम या कोई भी सिम हम यूज करते हैं, तो वहां पे 1 मंथ 28 दिन जो काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें जो है 1 मंथ 30 दिन को काउंट किया जाता है। तो 6 महीना मतलब कितना, 30 × 6 = 180 डेज, 180 प्लस 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 195 डेज आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, 6 महीने वाले प्लान में जो भी रिचार्ज करोगे, सभी में आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस प्लान जो भी 1 महीने का बनेगा जीएसटी लगा के, उसको उतने महीने से इंटू कर देना है, वो प्लान वहां पे सेट हो जाएगा। एक और बात कि अगर आप 6 महीने का प्लान ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने का प्लान ले लिया उस पे 18% का जीएसटी लगाना है, ऐसा नहीं है। हर मंथ पे जो है आपका जीएसटी 18% लगता जाएगा। ठीक है, अगर 6 महीने के लिया है तो 6 बार जीएसटी लगेगा, पहले मंथ पे 18% जीएसटी, दूसरे पे 18% जीएसटी, तीसरे पे 18, उस तरह से 18 का 6 बार लगेगा। तो इस तरीके से 6 मंथ का पूरा जो है प्लान हो गया, और इसमें आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग और बात है कि अगर आप एनुअली रिचार्ज करवाते हैं 12 मंथ का, तो यहां पे आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 13 महीना मिलेगा। 12 महीना तो 1 साल का हो गया, और 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 13 महीना टोटल मिलेगा। तो सेम इसमें भी वैसा ही है, बेस प्लान कितना था 399 वाला का, था 470.82 रुपये, 470.82 रुपये इंटू 12 मतलब 1 साल, तो 12 से गुना करोगे तो टोटल आएगा 5649.84 रुपये। ये आपको फाइनल रिचार्ज करवाना पड़ेगा अगर आप 1 साल का प्लान लेना चाहते हो 399 वाला का। तो ठीक है, उसी तरीके से जो भी इसमें प्लान मैंने अभी बताया है, सबका बेस प्लान में जाके आप जो है इंटू कर दो, जीएसटी लगा दो पहले बेस प्लान में, और जीएसटी लगाने के बाद जो भी फाइनल बेस प्लान होगा उसमें जाके उसने मंथ से इंटू कर दो, वो आपका जो है फाइनल प्राइस बन जाएगा। तो यहां पे पूरे चार्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सा क्या कुछ मिलने वाला है। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के, अगर इस चार्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, या फिर कोई सवाल है, या फिर चार्ट अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर या फिर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे कमेंट कर देना है, बस मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा, आपको पूरे डिटेल में जो है समझा दूंगा कि क्या आपको समझ नहीं आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को नीचे लाइक बटन दिख रहा है जाकर दबा दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और यहां पे 2 वीडियो का लिंक दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए, जाके क्लिक करो एंड एंजॉय करो।